बिलावल साहब कई दिनों से मुसलसल नवाज शरीफ साहब पर और उनकी जमात पर तनकीद कर रहे थे। PMLN रिस्टेंट का मुजाहरा कर रही थी, कुछ ज्यादा जवाब या जवाब शिकवा नहीं हो रहा था। अब कुछ बोलना शुरू किया PMLN के लोगों ने। ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट मेरे सामने, उन्होंने कहा कि जी चंद माह पहले तक शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखने के दावेदार बिलावल भुट्टो बाजारी जुबान पर उतर आए हैं। सियासत में गाली और गोली भुट्टो मरहूम ने मुतारिफ करवाई, बिलावल इस हवाले से उनका जानशीन साबित हो रहा है। तो पहल तो फिर आपने की ना कुंडी साहब, अब छेड़े छिड़ा आपने तो फिर उनका जवाब भी आएगा। साद रफीक साहब ने तो बहुत सी बातें की हैं, और मुझे बताएं कि उसमें गालम गलोच कहाँ पर नजर आई। क्या इनको पीटीआई के लोगों की गालें भूल गए, जिसको हमने कौन सी गालम गलोच की? साद रफीक साहब बाकी बातें छोड़े, हम कहते हैं अपने पार्टी के हेड को जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और वो गालिबन नवाज शरीफ साहब योगी इनके कहने के मुताबिक, तो ले ना मनाजरे पे, क्यों नहीं आपके चैनल पे ले, आप उनको दावत दें, बिलावल साहब भी आ जाते हैं और ये भी आ जाते हैं और हम अपना मंशूर अपनी बातें सामने रख लेते हैं, फिर आवाम फैसला करें। वो मुनाजरे का चैलेंज आप लोगों ने दिया है, बिलावल साहब ने भी दिया है, उसका जवाब ऐसे इकबाल साहब ने कुछ यूं दिया है कि बिलावल लाड़काना का मेरे नारोवाल से मुवाजना कर लें, नारोवाल बेहतर हो तो आप सियासत छोड़ देंगे, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ूंगा। अरे हमसे करें मुनाजरा, शाह से शाह के वफादार, मैं बोलूँ की नवाज शरीफ मेरे साथ मुनाजरा करे, फलाह मेरे साथ मुनाजरा करे, भाई क्यों नहीं लाते अपने लीडर को अपने सामने, क्यों आपने उसको इतना जो है वो छुपाया हुआ है? और जब से उन्होंने लाहौर में एक जलसा किया उसके बाद इक्का-दुक्का का शायद जलसे किए हैं, आवाम में जाने से कतराते हैं, अपने 16 महीने की कारगरी नहीं दिखा सकते, कभी बात ही नहीं करते। आज जो गिले शिकवे नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में किए मानसेरा में, वो चीज अपने भाई से पूछे ना कि आपकी 16 महीने की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब जाते हुई उसमें उन्होंने क्यों ये 16 महीने उनकी ज्यादतियों का अजाला नहीं करवाया? बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ शेर बकरी बन गया है, नवाज शरीफ खून चूसता है, बुजदिल है, आप देखें ना यही हो सकता है, और आपको गाली तो जारी बात नहीं देंगे बिलावल। देखें अब इंतखाबी निशान अगर शेर और हम बोलें कि वो शेर नहीं बने, शेर के निशान लेना आसान बात है, आवाम में क्यों नहीं जा रहे? शेर बन के दिखाना मुश्किल है। क्या उन्होंने इलेक्शन कैंपेन वाकई अपनी शुरू की है? आप इंसाफ कर ले, चलो हम तो आप सही कह रहे हैं, 3 महीने तक तो मियां साहब बाहर निकले नहीं, 21 अक्टूबर के बाद हाफजाबाद, 3 महीने के गैप से जलसा किया उन्होंने, ये तो सही कह रहे हैं। अभी उन्होंने परसों जलसा कैंसिल किया, कल गालिबन जलसा कैंसिल किया था, परसों वो गए नहीं, उससे पहले वो 10 मिनट की तकरीर करने के लिए गए, तो ये चीजें तो इलेक्शन कैंपेन में फिर कहते हैं बनम वजीर आजम रहे हैं। क्या आपकी आपको मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो वजीर आजम बन रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि वजीर आजम वो बन रहे हैं। जलसा लाहौर में आपने NA 127 शायद बिलावल साहब का हल्का है, जलसा तो आपने कामयाब अच्छा किया है, लेकिन नून लीग कह रही है कि पैसा बहुत लगा रहे हैं आप। बात यह है कि जब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे इनके कायद आए और उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, वहाँ के इंतजामिया को कहा और लोग लेके आए और बड़ा कामयाब जलसा किया, तो उसकी कंटिन्यूटी कहाँ गई? हम तो इलेक्शन डेट के लिए लड़ रहे थे, 8 फरवरी में जबरदस्ती जो है लड़ के ली, उसके बाद हमने कन्वेंशन किए, हम सिंध गए, हम बलूचिस्तान गए, हम पंजाब में कर रहे हैं, हम तो लगा खैबर पख्तूनख्वा में हमने, हम तो लगातार इलेक्शन कैंपेन में, हम तो अब उसमें हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे पास लोग हैं तो पैसों वाले हैं, इनके पास लोग हैं तो फिर इनके पास कहते हैं कि हमारे पास आवाम आ रही है। आवाम ने इनको देख लिया, 8 फरवरी को आवाम इनको इसका जवाब देगी। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि 61 सीटें हैं शायद सिंध से कौमी असम्बली की, हम 40 सीटें कंफर्म हासिल करेंगे, 7 से 8 पर हमारा मुकाबला होगा, हम वो भी ले सकते हैं। बड़ी तादाद है अगर 47-48 सीटें आप सिर्फ सिंध से ले लें कौमी असम्बली। हमारी बड़ी भरपूर कोशिश है कि हम सिंध से ज्यादा सीटें लेकर आए और उसके बाद फिर हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में भी सीटें लें। सिंध में हमारा फोकस है और हम देखें जिस तरीके से पंजाब में कंपेन कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, बलोचिस्तान में कर रहे हैं, हमारी कोशिश हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर गए। PTI के आजाद उम्मीदवार जो यानी PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अगर जीत कर आते हैं तो उनसे रब्ता करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें इंतजार में, क्योंकि PMLN ने एक इतिहाद बनाया है, इलेक्शन का इतिहाद बनाया, हमारा जो है फोकस जो है वो इलेक्शन के बाद इतिहाद पे नंबर गेम्स के ऊपर है, पोलिटिकल पार्टी से इतिहाद बनाना। PTI के अगर आजाद उम्मीदवार जब आते हैं तो उनके तो ये नहीं कि PTI के किसके, आजाद उम्मीदवार जब आएंगे वो अपने को ग्रुप बनाते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, जो भी है हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवारों को साथ को अपने साथ शामिल करें, जिसकी वजह से रिजर्व सीटें भी बढ़ेंगी, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वोट भी मिलेंगे, फिर आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के भी हैं, सेंट का इलेक्शन भी होगा, तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम ज्यादा से ज्यादा जो है मैनेजर अपने साथ शामिल करें अपनी पार्टी में उनको लेकर।